वालेकुम अस्सलाम। वैसे हमारे खानदान में ना लड़की वालों के घर रोजाना अच्छा नहीं समझा जाता, वो भी तरह से खाली हाथ। माफी चाहता हूँ बहन, फ्रूट्स लाया था ऑटो में, भूला है मैं। आइए तशरीफ रखिए। महानूर नजर नहीं आ रही, कहाँ हो? कमरे में पड़ी सो रही होगी, पलंग तोड़ रही होगी, यही सिखाया? इसके अलावा सिखाया क्या? कहाँ रह गई? ये फ्रूट लेने गए थे, ठेले से लाए चले, अब आई गए तो जरा बताते चले के जयेश के बारे में क्या सोचा है कब तक भाई? जी बहन, दरअसल हम इसी सिलसिले में आए हैं, आप जानती हैं गवर्नमेंट का मामला है, देर सवेर तो। बात सुनो बहन, अब गवर्नमेंट का मामला हो या किसी और, देर हो या सवेर हो, 10 दिन दे रही हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर अगर जहेज आ गया तो ठीक, नहीं तो 11वें दिन अपनी बेटी का हाथ पकड़ना और घर ले जाना, मुराद पीछे तलाक के पेपर भेज देगा। और बात सुने, हम लोग कतई आपकी तरह नहीं है, जबान के पक्के हैं। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बच्ची? तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटियां जितना मर्जी कोशिश कर लें झूठ बोलने की बेटी, लेकिन माँ बाप से सच छुपता नहीं है। अब मैं सच ही कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे बेटा, बेटियों की शादी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए माँ बाप को। हमने जल्दबाजी करके तुम्हें भी इम्तिहान में डाल दिया बेटा। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप पापा? हमें माफ कर देना। अपना ख्याल रखना।